दोस्तों इंडिया में पीएचडी करने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स माना जाता है वो है सीएसआईआर यूजीसी जेआरएफ, जो कि हर साल में जो है वो 2 बार होता है। और जो इस साल जिन्होंने जून 2018 के अंदर दिया है उसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो क्या कहता है वो रिजल्ट और उससे रिलेवेंट मेरी एक छोटी एनालिसिस है, तो जानते हैं वो सब इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो CSIR एग्ज़ाम है वो मेनली 5 कैटेगरी के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करता है साल में 2 बार। एंड ये 5 कैटेगरी जो है वो लाइफ साइंसेज हैं, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज है। अराउंड 2 लाख लोग जो हैं इसको हर बार जो है अपियर होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। तो ये 2 लाख मैं आपको कंबाइंड जनता बता रहा हूँ, अगर जैसे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए तो ऑलमोस्ट एक एवरेज निकल के आ जाएगा हर स्ट्रीम का। और इसी तरह से जो है नंबर ऑफ एंट्रेंट भी जो लेते हैं वो वेरी करता है। जैसे इस साल करीबन इन्होंने 3,500 लोगों को जो है एंट्री लिया है, CSIR और UGC JRF दोनों को मिला लिया जाए। तो अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने CSIR का जो रिजल्ट है वो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा रखा है, जून 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और आप वहाँ से सीधा जाके उस PDF तक पहुँच सकते हैं और अपना रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं, रैंक भी पता चल जाएगी अगर आप सेलेक्ट हुए होंगे। तो ये रिजल्ट जो है मेनली 3 तरह से आपकी क्वालिफिकेशन को बताता है। एक तो आपका CSIR JRF या तो क्वालिफाई होते हो आप, या फिर आप UGC JRF क्वालिफाई होते हो, या फिर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट है केवल वो जो UGC देता है उसी में आप क्वालिफाई करते हो, और उसके थ्रू आप कहीं लेक्चररशिप या वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो पर PhD नहीं कर सकते उससे। जून 2018 के रिजल्ट के साथ में मैंने जो है जून 2017 और दिसंबर 2017 का भी जो है एक PDF लगा रखा है, और वो एक एनालिसिस के पर्पज से है जो कि मैंने भी एनालिसिस की है। और अगर आप इन तीनों PDF को देखोगे कंपेरेटिवली तो यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे इस साल जैसे 2000 लिए हैं जून 2018 में, जून 2017 में भी ये इतने ही लोग लिए थे ऑलमोस्ट, लेकिन दिसंबर के अंदर इन्होंने जो है ऑलमोस्ट दुगने लोगों को सेलेक्ट किया था। दीज आर ऑलमोस्ट 4000 पीपल CSIR JRF के अंदर। इसी तरह से जो UGC JRF है उसके अंदर तो सेम ही है सिचुएशन, 1500 पीपल जो है हर जगह सेलेक्टेड है, मतलब तीनों के तीनों CSIR रिजल्ट के अंदर। लेकिन जो नेट का नंबर जो है, जो नेट क्वालिफाई करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नंबर भी जो है यहाँ पे वेरी करता हुआ नज़र आ रहा है कि एक में जून के अंदर 3750 है, जबकि दूसरी तरफ जो है जो जून 2017 था उसका 3600 है, लेकिन अगेन दिसंबर 2017 है उसका ऑलमोस्ट 4400 पीपल हैं। तो दिसंबर 2017 में जो एंट्रेंस जिन्होंने दिया था CSIR का, उसका रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा इनटेक काफ़ी ज़्यादा आया है, और इस बार जो है काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो आई एम नॉट श्योर ये किस वजह से हुआ है, एक्चुअल रीज़न तो कुछ होगा, आई एम नॉट श्योर इंटरनल है या फिर ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में आउट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पर इस बार जो है परसेंटेज सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली पिछली बार के मुकाबले जो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हुआ है CSIR JRF का। अब जिन जिन लोगों का हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपको आने वाले अपकमिंग इंटरव्यूज जो जहाँ भी आप कहीं एंट्रेंस निकालने के बाद में जब किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ इंटरव्यू देने होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आप इंटरव्यू कैसे दिया जाए और किस तरह से क्या क्या पूछे जाते हैं ऐसे कुछ समझना चाहते हैं तो मेरे 2 पिछले वीडियो हैं, एक तो PhD इंटरव्यू टिप्स है और दूसरा कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यूज़ हैं, वो आप ज़रूर जाके देखें तो आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं फेलियर हो गया है तो इससे बहुत कोई बड़ी बात हो गई है, इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, आप अगली बार क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड आपका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है मैंने पिछले कुछ वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर भी कि हाउ टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर मैंने बनाया है कि वेदर टेकिंग कोचिंग इज़ रियली वर्थ इट और नॉट, तो ये आप इंटरव्यू जाके चेकआउट कर सकते हैं जहाँ से आपको शायद अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि वेदर यू शुड रियली गो हैड विद दीज काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स और नॉट, क्योंकि हो सकता है आपकी जो क्रिएटिविटी है या आप कुछ और अच्छा कर सकते हो और आप ज़बरदस्ती कहीं गलत जगह पर उलझे हुए और न हो पा रहे हो। तो मेक श्योर कि आप उन्हें देखें और आप यू एजुकेट योरसेल्फ एंड यू एनालाइज योरसेल्फ, यू असेस योरसेल्फ कि आप कितना जो है उसके लिए कैपेबल हैं और आप सच में करने का जो चांसेस हैं वो कितने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं एटलीस्ट CSIR के लोगों को जो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ रिज़ल्ट को जो है जब आप नेक्स्ट उसके लिए फॉर्म भरवा रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, वो दिसंबर हो सकता है, जून हो सकता है,
एटलीस्ट आप जो फॉर्म भरवा रहे हैं उससे पहले जो है रिजल्ट दें, ताकि जो है पर्सन कुड बी इन्फॉर्म कि उसे एक्चुअल में नेक्स्ट सेशन का भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और वो 4-5 महीने तक इंतज़ार करता रहता है जस्ट कि इन कन्फ्यूजन कि होगा या नहीं होगा उसका। और दूसरी चीज़ ये कि आप देते भी एग्ज़ाम के एकदम पहले हो तो कुछ लोगों का मॉरल थोड़ा ब्रेक हो सकता है, तो अगर ये CSIR वाले देख रहे हो तो इट्स रियली गुड, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड सेट कुछ इसी तरह से। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।